उसके बाद जो आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है पेज नंबर 72 के ऊपर दिया है, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग किसको कहते हैं, जिसे हम लोग जो आप लोग जब एग्जाम वगैरह के अंदर आपको प्लिस्केप पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप लोग क्या करते हो, बॉर्डर्स जो है आप बनाते हो, दोनों तरफ से आप क्या करते हो, लाइंस ड्रॉ करते हो, बॉर्डर्स बनाते हो। बॉर्डर्स क्यों बनाते हैं हम, ताकि जो हम राइट डाउन करते हैं वो एकदम क्लीन और प्रॉपरली दिखना चाहिए। ओके, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से पहले हम क्या करते हैं, मार्जिन बॉर्डर्स बनाते, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट डाउन करना स्टार्ट करते। वैसी ही जो हमारा एमएस वर्ड जो है, ये पेज को ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, इसको सारे को क्या करना है, हमको बॉर्डर्स देना है। क्या करना है, बॉर्डर्स देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जाएंगे हम पेज लेआउट, यह ऑप्शन है हमारा यहाँ पर, सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में आता है पेज बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स में आता है हमारा बॉर्डर सबसे पहले। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको हमको क्या करना है, बॉक्स दे देना है। चलो यानी एक काम करो, हाँ बॉक्स दे दिया, ओके बोल दिया, ये एक तरह का ये हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं आप, आपको सबको करना है, मतलब पूरे पेज को करना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरे पेज को करेंगे, पूरे पेज को करना है, पेज में आना है, यहाँ से बॉक्स बोलना है, ओके बोलना है, ये आ गया। देन अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको जो भी सेंटेंस है उसको बॉर्डर करना है। तो पेज में आना है, यहाँ से गए हमने ये बॉक्स लिया, देखेंगे जो जो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो चेंज होते जाएगा। इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, आपको जो कलर लेना है कलर ले लिया। देन उसके बाद जो पेज बॉर्डर में आ गए, यहाँ से आप जो है उसको शेडो वगैरह जो देना है वो दे सकते हो। देन यहाँ से जो है आप उसको कलरिंग दे सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये ओके, देखो चेंज हुआ, हो गया, मतलब हमने उसको क्या करा है, बॉर्डर्स और शेडो ये दोनों हमने उसको दे दिया। आ रहे स्टूडेंट्स समझ में, एक और करते हम, यहाँ से लिया हमने बॉर्डर में से बॉक्स शेडो ले लिया, यहाँ से हमने जो है उसको दूसरा ले लिया और ऑप्शन, यहाँ से हमने उसका कलर चेंज कर दिया। ओके देखेंगे, आ रहा स्टूडेंट समझ में। सो ये सारे काम जो किसमें किए जाते हैं वो है डिज़ाइन के अंदर, पेज बॉर्डर, पेज बैकग्राउंड का ये ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसका पेज का कलर हो गया, मतलब पेज कलर किसको कहा जाता है कि जो पेज है अभी कौन सा कलर है, वाइट कलर है, आप इसको जो भी कलर है इसका चेंज कर सकते हो। वाटरमार्क, वाटरमार्क बोले तो क्या, जैसे आप लोगों को जो पीडीएफ वगैरह में आता है ना जो भी नोट्स वगैरह, सो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बैकग्राउंड में हल्के लाइंस में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होता है, ओके तो उसको बोला जाता है वाटरमार्क। ये वाटरमार्क हम बाद में देखेंगे, अभी हमको क्या समझना है कि जो हमारा बॉर्डर्स और शेडिंग इसको कैसे दिया जाता है, उसके लिए हम किस में आते हैं, डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन होता है, उसके अंदर हम जो है सारे उसके जो सेंटेंस है उसका हम उसको अलग अलग बॉक्सेस में स्टाइल में हम उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमको इतने सारा जो मैंने भी आपको बताया इसमें आपको क्या समझ में आया अभी तक स्टूडेंट्स, वो ये समझ में आया होगा आपको आई होप कि नॉर्मली हम जो टाइपिंग करते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे चेंजेस क्या कर सकते। सो जो हम चेंजिंग करते हैं तो उसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। आ रहा स्टूडेंट समझ में। देन उसके बाद जो है हमारा लास्ट इस लेसन का जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है 74 पेज नंबर पे, चेंजिंग टेक्स्ट केस, देखेंगे चेंजिंग टेक्स्ट केस, द चेंज केस फीचर इन वर्ड लेट्स यू चेंज एंड एक्सिस्टिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन द फॉलोइंग वेज। ऑप्शन सेंटेंस केस, इट चेंजेस द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस टू अपर केस एंड द रेस्ट इन लोअर केस। लोअर केस, इट चेंज ऑल द लेटर्स टू लोअर केस। फर्स्ट में क्या बोल रहा है
कि आपको जैसे ये जो एक सेंटेंस है, कौन सी, जैसे ये सेंटेंस जो लिखा है ना, इसका जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो क्या है, कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है। तो इस सेंटेंस को कहा जाता है सेंटेंस केस। क्या कहा जाता है, सेंटेंस केस। मतलब जिसे हम लोग जो नोटबुक में जो हम लोग राइट डाउन करते, तो टीचर आपको हमेशा क्या बोलता है कि फर्स्ट अल्फाबेट ऑलवेज कैपिटल से स्टार्ट करना है, बाकी का स्मॉल। फिर जब आप न्यू पेज से स्टार्ट करते हो या न्यू लाइन स्टार्ट करते हो या न्यू सेंटेंस स्टार्ट करते हो, तो उस फिर आपको क्या करना पड़ता है कि फर्स्ट लेटर जो है आप कैपिटल होना चाहिए, बाकी का स्मॉल। तो वैसी ही वो सारी चीज भी हम इसमें कंप्यूटर में भी वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह सेंटेंस के दूसरा था लोअर केस, इट चेंज ऑल द लेटर टू लोअर केस। मतलब इसमें क्या होता है, सारे जो सेंटेंस होते हैं वो स्मॉल लेटर में होते, समझ में आ रहा। अपर केस, इसमें सारे सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर्स में होते। देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, इट चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू अपर केस एंड द रेस इन द लोअर केस। टगल केस, इट चेंज द अपर केस टू लोअर केस एंड द लोअर केस टू द अपर केस। देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली, देखेंगे यहाँ पर जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, अभी देखेंगे इसको हम यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ये देखेंगे, इस यहाँ पर चेंज केस, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्या था, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये जो नॉर्मली जैसा है अभी, मतलब फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में, बाकी का स्मॉल में। देन सेकंड देखेंगे, सेकंड को मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ से मैंने सेकंड ऑप्शन लिया, क्या है, लोअर केस। तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑल जो सेंटेंस से वो जो है, जो ये पूरा जो सेंटेंस है, ये पूरे जो अल्फाबेट जो लेटर्स है वो क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। आ रहा स्टूडेंट समझ में। अब यहाँ पर देखेंगे ग्रीन लाइन क्यों आ रही है। ग्रीन लाइन बोलता है कि आपने जो सेंटेंस है या जो वर्ड है वो प्रॉपर आपने टाइप तो किया है, बट यहाँ पर आपसे एक स्मॉल माइनर मिस्टेक हुई है। वो ये हुई है कि आपको क्या करना चाहिए था कि जो फर्स्ट लेटर था वो आपको कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए था। आ रहा समझ में, इसके वजह से वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो जैसे हम उसको सॉल्व कर देंगे तो जो ग्रीन लाइन वो भी यहाँ से, जो ब्लू लाइन है सॉरी, वो भी क्या हो जाएंगी, चले जाएंगी। आ रहा स्टूडेंट समझ में। तो यहाँ पर क्या है, हमने फर्स्ट सेंटेंस को सेंटेंस केस में कन्वर्ट किया, सेकेंड को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद जो हमारा थर्ड सेंटेंस है इसको क्या कह रहा है, कैपिटलाइज। अब कैपिटलाइज में क्या होगा, ये जो जितने अब ये सारे दिस इज अ बॉय, ये सारे कैपिटल में हो जाएंगे। किस पे हो जाएंगे, कैपिटल में, दिख रहा है आपको, मतलब कैसा कैपिटल, देखेंगे दिस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये तो कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये सिंगल है, बॉय का जो बी है वो कैपिटल। आ रहा स्टूडेंट समझ में। यहाँ पर क्या किया था हमने, सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल किया, बाकी का स्मॉल। सेकेंड सेंटेंस में सारे को स्मॉल कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमको अगर कैपिटल में रखना है, समझ में आ रहा। जैसे ये फर्स्ट वर्ड दिस है, इसका फर्स्ट लेटर जो टी आता है उसको कैपिटल, बाकी का स्मॉल। इस में फर्स्ट आए हमको कैपिटल रखना है, इस जो है हमको क्या रखना है, स्मॉल। ए ऑलरेडी सिंगल है तो वो कैपिटल रहेगा, बॉय का जो बी है वो कैपिटल रखना है, बाकी का स्मॉल। तो ये सारे इसको चेंज को वो क्या 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 कहा जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैसा रहेगा, कैपिटल में रहेगा। उसके बाद आता है जो हमारा नेक्स्ट उसके बाद भी क्या आता है, लास्ट वाला देखेंगे। इसको करने से क्या हो गया इसको करने से, कि जो फर्स्ट लेटर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, बाकी का कैपिटल हो गया। दिख रहा है यहाँ पे, देखेंगे चारों में आपको चेंजेस दिखाई दे रहेंगे, सेंटेंस केस, लोअर केस, कैपिटलाइज केस, टुगल केस। ये क्या हो गया, टुगल केस में क्या होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है, बाकी का कैपिटल है। तो इस तरह की जो चेंजेस हमको करना होता है वो हम किस में कर सकते हैं। अच्छा, अभी ये क्या हो गया, जैसे हम लोग नोटबुक वगैरह में राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट्स, तो
तो कभी कभी हमारे से क्या होती है मिस्टेक्स के, आप टीचर लोग आपको बताते हैं कि आपकी जो मिस्टेक्स है वो आपको वहाँ पर अंडरलाइन करके या आपको बताते पॉइंट करके बताते हैं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक किया। अब यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर में आपको उसका एक बेनिफिट है, आप नॉर्मली टाइपिंग करो, ओके, आपको आप जैसे आपने नॉर्मली टाइपिंग कर लिया, आप नॉर्मली टाइपिंग करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उसको सारे जो है ईच वर्ड को जो है फर्स्ट जो उसका लेटर होता है उसको आपको कैपिटल में रखना है, बाकी का स्मॉल में रखना है। जैसे भी यहाँ पर देखेंगे मेरे को क्या करना है, सारे वर्ड्स के फर्स्ट जो लेटर उसको मेरे को कैपिटल में रखना है। अभी यहाँ पर सब अलग अलग है, हम मेरे को यहाँ पे अगर मैं ये सेम अगर नोटबुक में लिखूंगा तो वहां पर मेरे को इरेजर से पूरा इरेज करना पड़ेगा, देन फिर मेरे को वापस से लिखना पड़ेगा, वहां पर मेरा टाइम जाएगा। बट यहाँ पर अगर मैंने कभी मेरे से मिस्टेक हो भी गई तो मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, बिकॉज कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसमें हम जो है एंड इट कैन वर्क वेरी फास्ट एंड कंप्यूटर सेविंग जो हमारा जो टाइम है वो हमको सेव करता है। अब यहाँ से देखेंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया मैंने, यहाँ पर मेरा काम आसान हो गया, मतलब मेरे को पूरा इरेज करना रफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर मैंने क्या किया, नॉर्मली मेरे जैसा टाइप करना था मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने जो मेरे को कैपिटलाइज ईच वर्ड करना था वो मैंने यहाँ पर कर दिया। आ रहा स्टूडेंट समझ में, मेरे को सबको क्या करना है, यहाँ से सेंटेंस केस कर देना है, तो मैं सारे सेंटेंस केस कर दिया, मतलब हर वर्ड सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल बाकी का स्मॉल, कैपिटल बाकी का स्मॉल। आ रहा स्टूडेंट समझ में, सो ये सारे चेंजेस हम बाद में भी कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली टाइपिंग कर लेना है पहले हमको जो भी टाइप कर रहे हैं, उसके बाद आप उसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन फाउंट स्टाइल फाउंट साइज उसका फाउंट कलर हाईलाइट कलर अलाइनमेंट ओके, देन उसका बॉर्डर्स वगैरह हो गया, बहुत सारे जो पेज लेआउट में डिजाइन में जो हमने किया, ये सारे हम एट अ टाइम बाद में भी कर सकते हैं। आर स्टूडेंट समझ में, हमको आपको मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, आपको पहले आप नॉर्मल टाइपिंग कर लो, उसके बाद उसके अंदर हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, और चेंजिंग के एक्शन को कहा जाता है फॉर्मेटिंग। आर स्टूडेंट समझ में, यहाँ पर जो है हमारा लेसन नंबर जो 7 है वहां पर यहाँ पर हमारा वो एंड होता है। अब यहाँ से जो है इस लेसन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी गई है वो हम अभी यहाँ पर देखने वाले। इस लेसन में हमने क्या क्या लर्न किया, पॉइंट्स टू रिमेंबर, चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट इज नाउन एज फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को जो हम टेक्स्ट के जो में जो भी हम चेंजिंग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं। द होम टैब प्रोवाइड्स अ सिंगल क्लिक एक्सेस टू वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर्स, होम टैब से हमको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं लाइक बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। देन उसके बाद जो है हमारा थर्ड पॉइंट हमने क्या लर्न किया, द फाउंट इज द स्टाइल ऑफ राइटिंग अ डॉक्यूमेंट, डिफरेंट फाउंट्स आर सुटेबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू कैन इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट बाय अलाइनिंग द टेक्स्ट इन डिफरेंट वेज, क्रिएटिंग बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट एंड अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग, द फॉर्मेट पेंटर टूल्स लाइक एनी फॉर्मेटिंग अप्लाई टू द एक्सिस्टिंग टेक्स एंड अप्लाईज द सेम फॉर्मेटिंग टू द टेक्स इट इज पेंटेड ओवर, द चेंज द केस फीचर लेट यू चेंज एंड एक्सिस्टिंग ब्लॉक ऑफ टेक्स। ये जितने भी मैंने अभी सेंटेंस रीड किया है, ये जो हमने अभी जो जो हमने इसमें लर्न किया है उससे रिलेटेड जो कंक्लूजन इसमें वो दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा एक्सरसाइज का नंबर 1 है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन में फर्स्ट है ए, चेंजिंग द लुक ऑफ द टेक्स्ट इज नाउन एज, मतलब टेक्स्ट को अंदर जो हम चेंजिंग करते हैं उसको कहा जाता है फॉर्मेटिंग। देखेंगे यहाँ पर भी हमारा जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर का जो फर्स्ट पॉइंट है ना वही है फॉर्मेटिंग, मतलब जो हम टेक्स्ट के अंदर चेंज करते लाइक उसका बोल्ड करो इटैलिक करो अंडरलाइन करो बोल्ड फॉन्ट साइज है स्टाइल है अलाइनमेंट है बुलेट्स है नंबर्स है एक्सेट्रा, जो भी हम उसको चेंज करते हैं उस एक्शन को कहा जाता है फॉर्मेटिंग।